हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज का क्वेश्चन है, मोहन ने 18 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 4 दर्जन कॉपियां खरीदी। भाव कम हो जाने के कारण 16 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 3 दर्जन कॉपियां बेच दी और शेष 1 दर्जन कॉपी 16 रुपए 50 पैसे दर्जन के हिसाब से बेच दी, तो हानि का परसेंट ज्ञात करो। 1 दर्जन कॉपी का मूल्य कितना है? 18 रुपये। और कितनी खरीदी? 4 दर्जन, तो 18 चौक 72, 72 रुपये की खरीद ली। और भाई दाम कम हो गया, 1 दर्जन कॉपी कितने की बेची उसने? 16 रुपये की। तो 3 कितने की होगी? 16 के 48 रुपये की। 1 दर्जन रह गई, 1 दर्जन कितने की बेची? 16 50 की। दोनों को जोड़ लिया तो 64.50 आ गया आंसर। अब इन्हें तो इसका जो क्रय मूल्य है वो तो होगा इतना और विक्रय मूल्य इतना होगा। तो इसका मतलब अगर विक्रय मूल्य हमारा छोटा है और क्रय मूल्य हमारा बड़ा है तो हमें हानि हुई, तो हमने इसमें से घटा लिया, तो 7 रुपए 50 पैसे की हानि हुई। तो हानि के परसेंट का निकालना, तो हानि मल्टीप्लाई 100 अपॉन CP यानी के क्रय मूल्य। तो हमने इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 2 प्लेस पर पॉइंट आ गया, तो 750 बच गया। 750 को मैंने 72 से डिवाइड कर दिया, 72 बच गया, 3 उतार ली 0, 3 लगा दी 0, तो 10 होल 30 अपॉन 72 आ गया। तो हमने 30 और 72 को 5 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, 6 5 जा 30 और 6 12 जा 72, तो 10 होल 5 अपॉन 12 आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रूस 10 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद लिए और यदि वह 1 रुपया प्रति ब्रूस बेचे तो उसे कितना लाभ होगा? तो भाई 1 दर्जन का मतलब क्या हो? 12। 1 दर्जन खरीदे 10 के, 2 दर्जन कितने के हो गए? 20 रुपए के, यानी कि 24 ब्रूस उसने 20 रुपए के खरीद लिए। 1 ब्रूस कितने रुपए का बेच दिया? 24, 1 रुपए का, तो 24 ब्रूस कितने के बेच के? 24 रुपए के। और तो उसे लाभ हुआ है ना, क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य ज्यादा है 24 और खरीदे कितने थे? 20 के, 24 में से 20 घटा दो 4 रुपये आगा, तो उसे 4 रुपये का लाभ हुआ। एक दुकानदार ने 15 मेज 500 रुपये प्रति मेज और 20 कुर्सियां 300 रुपये प्रति कुर्सी खरीदी। 40 रुपये उनकी ढुलाई के दिए खर्च, यानी कि घर लाने में जो खर्च हुआ उसे ओवरहेड चार्जेस बोलते हैं, यानी कि ऊपरी व्यय है ना, तो वो 40 रुपये लग गया भाई। अब उसने कुर्सी और मेज सबको 380 रुपये के हिसाब से बेच दिया, कुर्सी भी 380 रुपये की बेच दी और मेज भी, एक कुर्सी एक मेज, तो बताओ उसे लाभ हुआ या हानि ज्ञात करो। तो 15 कुर्सी कितने की बेची? एक कुर्सी 500 रुपए की है, तो 15 कितनी होगी? 7500 की होगी। और 20 कुर्सी कितने की होगी जी? एक कुर्सी 300 रुपए की है जी, 20 60 और 2 0 6000 की होगी। अब इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ कर 13500 उत्तर आ गया, 48 रुपये हमने उसके ढुलाई के दिए, 40 रुपये भी ऐड कर दो, तो जी 13540 रुपये टोटल क्रय मूल्य आ गया, ये हमारा टोटल क्रय मूल्य है। तो कुर्सी और मेज मिलकर कितनी होगी? 35। और एक का मूल्य कितना? 380। 35 और 380 की मल्टीप्लाई कर दी, 13300 उत्तर आ गया। तो सीपी हमारा है 13540, एसपी है हमारा 13300। तो अगर हमारा सीपी बढ़ा हो यानी कि क्रय मूल्य बढ़ा हो तो हमें हानि हो गया, तो हमें हानि हो गई। कितने की हानि होगी? 240 रुपये की भाई, हमने इसमें से सीपी मतलब एसपी माइनस कर दिया तो 240 बच गए है ना, तो माइनस का चिन्ह भी लगा लो चाहिए यहाँ है ना, तो 240 रुपये आनी होगी, तो 240 रुपये आनी सी वाला ऑप्शन आ गया। हरी ने एक घर 2 लाख रुपए में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये खर्च कर दिए। यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है
तो घर का कर विक्रय मूल्य बताओ, यानी कि कितने रुपए बेचेगा अगर उसे 20% का लाभ चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, घर कितने का खरीदा 2 लाख का, मरम्मत में कितने लगे 50,000, तो कितने हो गए 2,50,000 रुपए हो गए। ये टोटल हमारा क्रय मूल्य आ गया, यानी कि सीपी आ गया टोटल। तो अब इसका फॉर्मूला देख लो, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100। क्रय मूल्य कितना हमारा 2,50,000 और तो 100 प्लस 20, लाभ कितना है हमारा 20% का लाभ चाहिए सर, अपॉन 100। तो हमने 100 में 20 ऐड कर दिया तो वो 120 आ गया और बाकी सेम का सेम रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी है ना, 12×5=60 की जीरो और 12×3=24 और 36, यानी कि 3 लाख रुपए का विक्रय मूल्य आ गया उसका, यानी कि अगर वो 3 लाख में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है जी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।